तो फ्रेंड चलिए आज बात करते हैं इस तरह के शॉपिंग बैग की। देखिए सभी के पास इस तरह के शॉपिंग बैग होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह के शॉपिंग बैग हमें मिलते हैं। तो आज करने जा रही हूँ मैं इस शॉपिंग बैग का रिव्यू। तो सबसे पहले चाहिए आपको शॉपिंग बैग और कुछ जिस भी तरह का आपके पास कपड़ा हो वो ले लेना है आपको। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कपड़ा भी ले लिया है, जो कि मैंने इसको मेजरमेंट तो नहीं किया है लेकिन थैले के हिसाब से मैंने इसको रख दिया। बहुत बड़ा सा कपड़ा है ये एक, और जो ये कपड़ा है ये मैंने डबल फोल्ड किया है। देखिए फ्रेंड इस तरह से जितना बड़ा ये थैला है उसी तरह से मैंने कपड़ा भी इतना बड़ा लिया है। और देखिए साइड से इसको कट कर रही हूँ, जिस कपड़े में कट कर रही हूँ डबल फोल्ड है, तो ये देखिए कट हो गया है थैले के हिसाब से। अब हम इस थैले को भी हाफ कट करेंगे, क्योंकि अगर आपको बड़ा ऑर्गेनाइजर बनाना है तो आप पूरे थैले को भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे इतना बड़ा नहीं बनाना है तो मैं क्या करूँगी, जो थैले के जो ऊपर वाले हैंडल हैं उनको मैंने कट कर दिया है फ्रेंड। देखिए इस तरह से अब मैं थैले को हाफ कट कर लूँगी इस तरह से। अगर आपको पूरा कट नहीं करना है तो आप इस तरह से भी रख सकते हो। देखिए थैला कट करने के बाद अब मैं कपड़े को थोड़ा ऊपर से कट करूँगी, पर थैले को कट करने से पहले देखिए जो भी थैले के कपड़े को कट करने से पहले देखिए जो थैले के इधर उधर के दोनों साइड हैं उनको भी हम ओपन कर लेंगे इस तरह से। नीचे वाले पार्ट को ओपन नहीं करेंगे, साइड वाले पार्ट को देखिए फ्रेंड इस तरह से ओपन कर देंगे सीजर की हेल्प से। ये देखिए ये बड़ा हो चुका है खुल के। अब इसी तरह से कपड़े को भी हम ऊपर से कट करेंगे, लेकिन कपड़े को हम थोड़ा सा 1-2 इंच ऊपर से कट करेंगे ताकि हम नीचे को इसको फोल्ड कर सकें। अब देखिए फ्रेंड डबल फोल्ड हो गया है कपड़ा, ये देखिए इस तरह से। अब क्या करना है, चारों तरफ से हमें फ्रेंड इसको सिलाई लगा देनी है, इस कपड़े को सिलाई लगा देनी है थैले के साथ। आपको जो उल्टा वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ करना है और सीधे वाला पार्ट बाहर की साइड को रखना है, और चारों तरफ इसकी सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई आप देखिए मशीन है तो मशीन से इजीली आप जल्दी से सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप हाथ की हेल्प से सुई की हेल्प से भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ले ली है मैंने एक छोटी सी पिन ताकि मैं इसको एडजस्ट कर सकूँ, ताकि जब मैं इसमें सिलाई लगाऊँ तो ये आपस में हिले ना। तो इसके लिए देखिए मैंने पिन लगा दी है वो सबसे ऊपर इस तरह से, ताकि जब सिलाई लगाऊँ तो कपड़ा और जो थैला है हमारा वो फिसले ना। तो ये देखिए अब इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी। चारों साइड पे आपको सिलाई लगानी है इसके, पहले मैं फ्रंट वाले ऊपर वाले पार्ट पे सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से आपको बराबर पकड़ना है, आप चारों साइड भी पिन लगा सकते हो, उससे क्या होगा कि आपको सिलाई लगाने में इजी होगा। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। आपके पास जैसा भी थैला हो, जो ये कपड़ा है ये इसको मजबूत बना देगा। तो देखिए ऊपर वाली सिलाई हमारी लग चुकी है, और साथ के साथ आपको जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो भी कट करते रहना है आपको, ताकि बाद में हम जो भी हम चीज़ बना रहे हैं वो गंदी ना लगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा दी है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो मैंने आपको नहीं दिखाया। देखिए चारों तरफ सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगने के बाद इस तरह से आपको डबल कर लेना है, और फिर से आपको इस तरह से साइड से सिलाई लगा देनी है इस तरह से। देखिए जो पहले वाली सिलाई है उसके थोड़ा सा इधर से आपको सिलाई लगानी है, ताकि वो सिलाई दिखे ना। तो देखिए एक साइड सिलाई लग चुकी है, इस तरह से बन चुका है एक थैला टाइप, और दूसरी साइड भी आप इसी तरह से सिलाई लगा दें। तो ये देखिए सिलाई मशीन की हेल्प से जल्दी सिलाई हो जाती है, तो आप सिलाई मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ की हेल्प से सुई से भी कर सकते हो। अब आप इसको सीधा कर दें इस तरह से। देखिए फ्रेंड मैंने इसको अच्छे से सीधा कर दिया है, कोने कोने को आप बाहर की ओर निकालें तभी आपको पता चलेगा कि कैसा बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए हमारा एक ऑर्गेनाइजर जैसा बन के रेडी हो चुका है। देखिए अगर आप इसमें ऊपर इलास्टिक भी डालना चाहते हो तो आप इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इलास्टिक नहीं डाला है। अब जो फ्रेंड ऊपर वाले हमारे पास जो इस तरह का कपड़ा बचा हुआ है पीस, तो उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये वाला पार्ट को हम डबल फोल्ड किया मैंने, अब इसको बराबर हिस्सों में हम कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए दो बराबर हिस्सों में कट कर लिया, अब हम इनको इस तरह से फोल्ड करके दो हैंडल बनाएंगे इस तरह से। देखिए जो पहले थैले के हैंडल थे वो थोड़े मजबूत नहीं होते, तो इसके लिए मैंने कपड़े के हैंडल बनाए हैं क्योंकि ये काफ़ी मजबूत रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ताकि जो कटा हुआ पीस है वहाँ से थ्रेड ना निकले। तो इस तरह से देखिए बीचों बीच आपको सिलाई लगानी है, ताकि आपको दो सिलाइयाँ ना लगानी पड़े, एक सिलाई से ही आपका काम चल जाए। तो देखिए इसी तरह से एक सिलाई लगाने के बाद मैंने दूसरे में भी सिलाई लगा दी है। इस तरह की तनिया हमारी बनके रेडी हो चुकी है। देखिए दो तनिया हमारी बनके रेडी हो चुकी हैं, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो भी मैंने कट कर लिया है। अब क्या करना है फ्रेंड, आपको दोनों हैंडल को आपको इस तरह से लगाना है। देखिए जिस तरह से मैं रख रही हूँ इस तरह से लगाना है।
जब भी आप इन तनियों को इनको हैंडल को ऊपर लगाएं तो आप डबल सिलाई इसके ऊपर दें, क्योंकि डबल सिलाई से क्या होता है कि जो हैंडल है आप अगर कोई भी भारी चीज़ अंदर डालते हो तो टूटने का डर नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा ली है और बराबर हिस्सों में दोनों साइड हैंडल को देखते हुए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। देखिए एक साइड हमारा हैंडल लग चुका है इस तरह से, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। आपके पास जिस भी तरह का कपड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, जॉर्जेट का हो, नायलॉन का हो, जिस तरह का कपड़ा है उसका आप बना सकते हो। देखिए दोनों साइड हैंडल लग चुके हैं और देखिए कितना प्यारा बैग ऑर्गेनाइजर हमारा बन के रेडी हो चुका है ये देखिए। अब आप इसको कभी भी बाजार जा रहे हो या फिर घर पर आपने कोई चीज़ें इसमें रखनी हो तो आराम से रख सकते हो। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस थैले में आप क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हो। जैसे आपकी वाटर बोतल हो गई, कभी भी आप मार्केट जा रहे हो जो आपकी पानी की बोतल है वो भी आप इसको इस पर ईजिली डाल सकते हो। आपकी मेकअप किट हो गई, देखिए मैंने इस पर अपनी मेकअप किट डाल दी, इतनी बड़ी सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा। और एक पानी की बोतल है जो बोरोसिल की, वो भी इसमें ईजिली आ जाएगी आपकी। अगर आप इसके ऊपर बटर लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। क्रीम फ्रूटी मैंने सारी चीज़ें इसमें अच्छे से डाल दी है। देखिए इस तरह से हमारा थैला बनके रेडी हो चुका है एक अच्छा सा। तो कैसा लगा फ्रेंड आपको ये वीडियो? तो आप भी घर पे छोटे से कपड़े की पीस से और थैले की हेल्प से ये चीज़ बना सकते हो। अगर प्लीज़ फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।